गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. हाउ आर यू ऑल गाइज? अ वेरी मेरी क्रिसमस टू एवरी वन. वीडियो इज अबाउट अ स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आई लव्ड इन होल ईयर, जो मेरे फेवरेट हैं. आई डोंट नो वेदर इन फ्यूचर आई एम गोना परचेज और नॉट, बट दे आर रियली होली ग्रेल प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड इफेक्टिव भी है मेरे स्किन पे. तो आई लाइक देम, तो आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूँ वो सारे प्रोडक्ट्स. अगर आपको ये मेकअप लुक देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड किया है ये वाला मेकअप लुक. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हाय, दिस इज फेनिल. आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप, ट्रैवलिंग, स्किन केयर एंड एक्सेट्रा. डेफिनेटली यू आर गोना लव दिस वीडियोज व्हाट आई अपलोड. फॉर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी उधर भी फॉलो कर दीजिए. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो गाइस. मैं आज वीडियो में फेस वॉश है जो मेरे फेवरेट है, ये है न्यूट्रीजिना का. इसमें हल्का सा पार्टिकल्स है स्क्रबिंग का, जो आपके अगर आपने मेकअप किया है, अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो ये उसके लिए बहुत काम का है. इसको आप डेली मत यूज कीजिए बिकॉज इसमें स्क्रब है, आपकी स्किन ब्रेकआउट भी हो सकती है. थ्राइज इन अ वीक मैं यूज करती हूँ इसको एंड इन अ डे टाइम, सॉरी इन अ नाइट टाइम आई यूज दिस बिकॉज जो भी मेरे दिन भर का जंक है, डर्ट है, सब वो इजिली निकाल देता है. सो दिस इज माई रियली वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर मी. अनदर प्रोडक्ट इज अगेन अ फेस वॉश, ये बायोडर्मा का है. इट इज इन अ जेल बेस्ड फॉर्म है. ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ये आपकी स्किन को रियली इजिली जो भी आपका गंक है वो भी निकाल देता है. तो रियली बहुत ज्यादा अच्छा है ये. सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज फेस मिस्ट एंड दैट इज फ्रॉम अर्थ रिदम. इट इज रियली अमेजिंग प्रोडक्ट. लगाने के बाद मुझे बहुत मेरी स्किन को काम लगता है. अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है, बॉइल्स है, कुछ भी है, आप ये लगाइए एंड 5 मिनट्स ऐसे रहने दीजिए, बहुत अच्छा टोनर है. सो आई लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अर्थ रिदम. सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज अ सीरम एंड दैट इज फ्रॉम ऑर्डिनरी. ये हाइलोरोनिक एसिड है, इसको मैं टोनर के बाद लगाती हूँ. इट इज अ रियली होली ग्रेल प्रोडक्ट. आपके स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, मॉइस्ट रखता है एंड रियली बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है. सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी. माय अनदर प्रोडक्ट इज फ्रॉम ब्रांड सिंपल. ये एक वेगन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, पूरा कोई एनिमल में टेस्टेड नहीं किया गया है. ये एक बूस्ट सीरम है जो आपके स्किन में कुछ भी बैरियर होता है ये उसको कंप्लीट करता है. माय अनदर प्रोडक्ट इज विटामिन सी एंड दैट इज फ्रॉम डॉट एम की. यू नो गाइस मुझे विटामिन सी बहुत ज्यादा पसंद है. मैं डे एज पर माय कन्वीनियंस आई अप्लाई दिस एंड वाइल डे मैं उसको अपने सनस्क्रीन के साथ अप्लाई करती हूँ एंड नाइट को तो सिर्फ मॉइस्चराइजर के साथ. तो इट इज रियली वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम डॉट इन की. आई लव दिस प्रोडक्ट. माय अनदर प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज मॉइस्चराइजर एंड दैट इज फ्रॉम डॉट इन की. ये भी एक डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, वेगन फ्री है एंड इन दिस मॉइस्चराइजर आपको एक विटामिन ई मिलेगी एंड ये आपके स्किन को बहुत अच्छा से मॉइस्ट रखेगा एंड ब्राइटन भी करेगा. सो माय अनदर प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज फ्रॉम अर्थ रिदम. इट इज ऑल्सो अ मॉइस्चराइजर एंड इट हैज अ सेरामाइड इन दिस. ये भी मेरे जो भी मोस्टली प्रोडक्ट्स है वो क्रुएल्टी फ्री है एंड वेगन है. मॉइस्चराइजर कीप्स यू रियली हाइड्रेटेड, आपके स्किन को कभी भी ड्राई नहीं करेगा एंड इट इज रियली गुड. माय अनदर प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज फ्रॉम एक्वालॉजिकल सनस्क्रीन. इट हैज एस पी एफ 50+ एंड ये इट हैज अ विटामिन सी ऑल्सो एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है एंड ब्राइटन भी करता है. सो आई लव दिस प्रोडक्ट फ्रॉम एक्वालॉजिक. अनदर प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो सनस्क्रीन एंड दैट इज फ्रॉम अर्थ रिदम. ये एक मैटिफाई सनस्क्रीन है, इट ऑल्सो हैज अ 50+. सो दिस इज ऑल्सो गुड वन. ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज पील मास्क एंड दैट इज फ्रॉम पिलग्रिम. मैंने ये अपने वीडियो में भी दिखाया था जहां पे एक मैंने मेरे सीरम शेयर किए थे. आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड ये वाइन कलर है ये इसका और ये ऑयल बेस्ड है. इसको लगाने के बाद आपको चिपचिपा नहीं लगेगा एंड सी काफी आपके ब्लैक हेड्स निकालती है, आपके स्किन की जो भी बैरियर है उसको क्लियर आउट करती है. सो दिस पील मास्क इज रियली वेरी गुड. माय अनदर प्रोडक्ट इज फ्रॉम एक्वालॉजिकल और ये नाइट जेल क्रीम है. इट हैज अ वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट एंड दिस इट कीप्स
इसके अंदर हल्की सी वाटरमेलन जैसी स्मेल है, बहुत अच्छी लगती है एंड आपकी स्किन को रियली हाइड्रेट करता है, नाइस डेफिनेटली वर्कआउट करता है आपकी स्किन को। माय अनदर प्रोडक्ट इज क्ले मास्क, दैट इज फ्रॉम डर्माको। इट हैज अ सैलिसिलिक 2% सैलिसिलिक एसिड इन दिस एंड एक्टिवेटेड चारकोल। ये आपको वीक में ट्वाइसली यूज करना है। इट रियली क्लीन योर जंक वेरी नाइसली एंड आपके फेस को क्लियर आउट भी करता है। माय अनदर प्रोडक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज फ्रॉम मैक कैफिन। ये एक ऑयल है और ये बॉडी पॉलिशिंग ऑयल है। इसके अंदर लिटरली कॉफी बीन्स है एंड इसकी स्मेल सो अमेजिंग, जिसको कॉफी की स्मेल पसंद है, सो इट्स रियली वेरी गुड एंड मेरे स्किन को बहुत हाइड्रेट भी रखती है। एंड इट हैज अ ग्लास बॉटल, ग्लास जार है ये, एंड ऐसे पंप में आपको ये मिलेगा इसे यूज करने के लिए, सो और ये हाइड्रेट भी रखता है, सो इट्स रियली वेरी गुड। माई लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो इज अगेन अ बॉडी लोशन, दैट इज फ्रॉम सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। इट इज रियली वेरी गुड प्रोडक्ट। इसकी मुझे स्मेल बेसिकली बहुत ज्यादा पसंद है। इट हैज अ ब्यूटिफुल स्मेल, कस्टर्ड एप्पल जैसी मुझे स्मेल लगती है बहुत बार एंड इट इज अ क्रीम बेस्ड, सो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। दिस बोथ बॉडी लोशन प्रोडक्ट्स कीप माई स्किन वेरी हाइड्रेटेड फॉर अंटिल 24 आवर्स। ड्राई नहीं होते इजिली एंड अच्छा लगता है स्किन पे लगाने के बाद, इचीनेस नहीं लगता है, हैवीनेस नहीं लगता है, तो रियली गुड प्रोडक्ट। सो दिस वेर द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इन द होल ईयर आई यूज। तो ये प्रोडक्ट्स जो मेरे फेवरेट हैं, अदर्स प्रोडक्ट्स आर रियली अमेजिंग एंड दैट सूट्स मी रियली वेरी वेल। मेन थिंग माई स्किन इज अ कॉम्बिनेशन, मैंने ये पहले भी बताया है, उसके बेसिस पे ये मेरे को ये सूट होते हैं। आई डोंट नो यू, आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो प्लीज अपने स्किन पे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे रिपर्चेस कीजिए। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आपको होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मेरे रिकमेंडेशन भी आपको बहुत काम आएंगे। इफ यू लव माई वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल एंड मैरी क्रिसमस वंस अगेन ईच एंड एवरी वन। मे गॉड ब्लेस यू।